जहां एक तरफ गाजियाबाद पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखी है, वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के राजेंद्र नगर में अज्ञात बदमाशों ने कार सेल परचेज करने वाले दो डीलर सुभाष और चेतन को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचे, दोनों घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीओ साहिबाबाद राकेश मिश्रा ने बताया कि दोनों घायलों की हालत अब बेहतर है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर एरिया में कल देर शाम में चेतन और सुभाष नाम के दो व्यक्तियों को दो अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई थी। ये दोनों व्यक्ति गाड़ी के सेल और परचेज का काम करते हैं। इन दोनों लोगों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया। इनकी हालत स्थिर है इस समय और थाना साहिबाबाद में इस मामले में FIR रजिस्टर की गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ही जो इसमें दोषी हैं उनको अरेस्ट करेंगे और मामले का अनावरण किया जाएगा। और एक दो गोली मेरी तरफ एम करके चलाई है और एक दो तीन गोलियां इनका कालू भाई के लगी हैं। जो आप उस समय साथ में थे जब? हाँ जी, मैं साथ में ही था। कौन लोग थे? कुछ कोई आइडिया नहीं, मुंह पे मफलर बांध के आए हुए थे। 25 से 26 साल के उम्र के ही लड़के थे। बाइक पे थे या गाड़ी में? बाद में पता चला बाहर जब गए हैं कि गाड़ी में आए थे। वो स्विफ्ट गाड़ी थी और उसके पीछे गुजर लिखा हुआ था। तीन लड़के थे। किसी से कोई रंजिश या कोई? अभी तो ऐसा हमारी देखो, अब हमारी इतनी कोई उम्र भी नहीं है, यंगस्टर ही है हमारी। ऐसी कोई किसी से कोई मतभेद भी नहीं है, ना लड़ाई है। अपना काम करने वाले आदमी है। ऐसा कोई हमारी किसी से कोई ना लड़ाई ना कुछ झगड़ा वगड़ा किसी से कुछ भी नहीं है। दो लोगों को गोली लगी है, क्या स्थिति है? गोली तीन लोगों को लगी, एक को छूकने के लिए। और कौन कौन लोग हैं जिनको लगे? रवि को छूकने के लिए पीठ पे, और चेतन लड़का है उसके टांग में लगी है, और ये जो बच्चे कालू भाई उनके तीन चार गोलियां लगी हैं। एक पेट में, दो टांग में और एक हाथ बात में लगी है। आप लोगों ने शिकायत दी पुलिस को? हाँ, वो पुलिस वाले उस टाइम आ गए थे, फिर यहाँ पे भी आए हुए थे पुलिस वाले। काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने भी, काफ़ी सपोर्ट करा है हमें। सर क्या घटना हुई है अभी? गोली लगी आपके परिवार के सदस्य? घटना हमारा भाई है जी, छोटा सालिमान में उसका ऑफिस है, और अपने ऑफिस को छोड़ के तो पास के ऑफिस में ही चार कदम की दूरी पे वो ऑफिस है, उसमें बैठा था और वहाँ पे दापातोड़ गोलियाँ चली हैं और उस लड़के के तीन गोली लगी हमारे भाई के छोटे के, और एक लड़का और बैठा था उसके भी एक गोली छूती हुई निकली है। वो ठीक है, पैर में लगी है उसके, वो ठीक है, बाकी वो सीरियस है। क्या नाम है आपके भाई का, क्या करते हैं? सुभाष, सुभाष उर्फ कालू, गाड़ी बेचता है, फोर सेल का काम करता है जी, और कारों का सेल करता है जी, काल की कार अपनी खरीदना बेचना वो करता है। शालीमार गार्डन में कहाँ पर किस नाम से ऑफिस है? हमारा कालू पहलवान के नाम से है। कौन लोग थे जो जिन्होंने? ये अभी पता नहीं लग रहा जी, कौन है, किसका है, क्या मामला है, अभी पता लग जाएगा तो फिर तो कोई बात ही ना जी। घटनाक्रम क्या हुआ? ये लोग ऑफिस में बैठे थे और अचानक जो जी जी ये ऑफिस में क्या, अपने ऑफिस में भी नहीं बैठे थे, पास के ऑफिस में बैठे थे, वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ। कौन लोग थे, कितने हमलावर थे? दो बता रहे हैं जी, दो। कोई विवाद किसी से रहा हो? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं लग पा रहा। अभी दरअसल कालू उसमें जी सीरियस है, तो उसकी जब वो निकलेगा बाहर जब बताएगा क्या बात है, अभी कोई पता किसी नहीं से। रंजिश वगैरह या अब पुराने रंजिश के वो ही बता सकता है जी, उसकी किसी से है नहीं है। हमारे तो परिवार की, घर की तो कोई है ही ना जी, गांव से रहने वाले हैं, गांव से बिलोंग करें, गांव से आता था वो। क्या नाम बताया आपने? गाँव चिरोड़ी, मेरा नाम देवेंद्र है। क्या लगते हैं उनके भाई हूँ जी उसका? धन्यवाद।